गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो संडे की चाय वाय हो गई है। जैसे मैंने कहा था, हम डार्क चॉकलेट बनाएंगे। ये शुगर फ्री चॉकलेट है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये कुछ मैंने नट्स लिए हैं, वॉलनट है, कैशू नट है, बादाम है, पंपकिन सीड्स है और ये फ्लैक्स सीड्स भी है। तो ये नटी चॉकलेट बनाएंगे हम। और ये है बटर और ये है हीट रेजिस्टेंट बोल है जिसमें हम चॉकलेट को बटर के साथ मेल्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे ड्राई फ्रूट को। ये मीठी तुलसी का पाउडर फॉर स्वीटनिंग, क्योंकि ये शुगर फ्री है और शुगर फ्री ही है खाती हूँ, शुगर नहीं खाती हूँ। तो अब मैं ये चॉकलेट डाल दिया हमने, अब डालेंगे इसमें थोड़ा बटर। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। मेरे पास है, फिर भी मैं वो तरीका आपको बता रही हूं जो नॉर्मली किया जाता है। तो इस तरह से अब इसको हमने इसमें लिया है, गर्मी बहुत हो रही है, मैंने फैन ऑन कर दिया था भाई। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर हम एक स्पैटुला लेते हैं। ये भी ले सकते हैं आप, और इस तरह का सिलिकॉन वाला भी ले सकते हैं। सिलिकॉन वाले को क्या, वो चिपकता नहीं है इसलिए। ये देखिए गर्म पानी है इसमें, इसमें हम उसको मेल्ट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप मेल्ट करते हो ना तो चॉकलेट जल जाती है, इसलिए इस तरह से। मैंने आपको बताया है ये हीट रेजिस्टेंट है, तो इसको कुछ गर्मी से होगा नहीं। इस कढ़ाई में मैंने पानी लिया है और ऊपर ऐसे रख के हम इसे मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट जब तक होता है बता देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट को चॉप चॉप कर लिया है। फ्लैक्स सीड्स आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स और ये सब हम इसमें डाल देंगे बोल में इस तरह से। ये सारा लिया, चूंकि मैं शुगर नहीं खाती तो आप डेट्स भी ऐड कर सकते, फिग्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आप सब जानते हो ये ड्राई फ्रूट्स फ्लैक्स सीड, इट इज वेरी हाई इन ओमेगा फैटी एसिड्स, मेनी मिनरल्स लाइक सेलेनियम, मैग्नीशियम, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो रही है, बटर भी मेल्ट हो रहा है। इसको स्टर करते रहिए जब तक ये पूरा लिक्विड ना हो जाए। बटर हैज विटामिन डी, विटामिन ई एंड मेनी अदर विटामिन्स, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए कितने अच्छे से अब ये मेल्ट हो गई है। अब हम इसे नीचे उतारेंगे। ये मीठी तुलसी का ऑर्गेनिक पाउडर है, सो दिस इज हर्बल। ये यूज करने से आपको कोई केमिकल लेने होगा। तो सबसे पहले चीनी मिला देंगे हम इसमें। उसके बाद डाल देंगे ये ड्राई नट्स। तो ये है होली, होली के अवसर पर मेरा अपना ड्राई चोकोपॉट। तो अब इसको कैसे हम डालेंगे, इसको अभी हमें रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। ये पिघलने में चीनी, चॉकलेट और बटर को लगा 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं।
अब मैंने लिया है एक अप्पम का ट्रे, जो घर में है वही तो ले सकते हैं, राइट। चॉकलेट तैयार। तो अब हम इसको डालेंगे इस ट्रे में इस तरह से, जो सेमी राउंड है जैसे अप्पम होते हैं ना छोटे छोटे वैसे, और फिर रेफ्रिजरेशन में डाल देंगे। चॉकलेट खाना खाने के बाद ये खाएंगे आप तो आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन है, मिनरल्स है। अब मैं इसे रख रही हूँ डीप फ्रीजर में अपने, विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत कुछ है इसमें, ओमेगा फैटी एसिड्स है जो आप जानते बहुत जरूरी है। तो अब ये जो बचा हुआ है खुरचन, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ठंडा अपने आप हो जाएगा। चॉकलेट आई कैन जस्ट हैव इट, यू नो, यू कैन जस्ट हैव इट विद योर आलमंड मिल्क और एनीथिंग एंड इट इज गोइंग टू टेस्ट यम। This is yum. वैसे तो I have a maid who comes and cleans my bathroom, but मैं जनरली उनको धोकर रखती हूँ। देखिए रात भर के लिए प्लेट है मेरे डिनर की, आई ओनली हैव वन मील अ डे। सामान आज आया है, आई होप मेरा कीटो का सामान आया होगा, वो अब इसके बाद वो खोलेंगे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और किचन में मुझे बहुत गर्म हो गया है। तो थोड़ी देर कुछ YouTube देखेंगे या आज हम अनपैक करेंगे, आज हम क्या आया है Amazon से देखते हैं। चलिए बहुत गर्मी हो गई। ओह माय माइंड, मुझे ऐसा लगा ये मैं पी रही हूँ जूस, इसका भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है आंवला, करी पत्ता, धनिया, अदरक, हल्दी, पुदीना एंड इट्स यम। आई ड्रिंक दिस एवरी डे, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट गुड टू मेंटेन योर ब्लड शुगर्स एंड इट हैज प्योरेस्ट ऑफ विटामिन सी, मिनरल्स, करी पत्ता भी होता है इसमें, तो ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा अनपैकिंग करना है तो पैक ही लगा लूँ मैं। तो मैंने फ्राइडे धोया था बाल, तो आज संडे है, थर्ड डे एंड इट्स वेरी हॉट, तो संडे को रिलैक्सिंग हो जाएगा। तो ये है आंवला पाउडर, ये खाड़ी का मैं हर्बली यूज करती हूँ, तो मैं अपने सर के हिसाब से ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा, नो प्रपोर्शंस। फिर मैंने खाड़ी का ये पूरा हेयर किट मंगाया था, ये है ऑर्गेनिक रीठा। आप जानते हैं पुराने ज़माने में हम रीठा से ही बाल धोते थे, केमिकल शैम्पू फैम्पू नहीं यूज़ करते थे। ये है हिबिस्कस फ्लावर, जैस्मिन का फ्लावर मालूम है, उसका पाउडर है। ऑल दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर गुड हेयर रीग्रोथ, बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ होती है आपकी और बाल आपके बहुत हेल्दी रहते हैं। ये है भृंगराज पाउडर, भृंगराज भी आपने सुना ही होगा, बालों में ऑयल ये सब यूज करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि अब आयुर्वेदा फिर से फैशन में आ गया। ये है शिकाकाई पाउडर। इस पैक के बाद मैं बोटानिका का नॉन सल्फेट शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लूँगी। अब इस पैक में और क्या डाले, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा दही,
तो इसमें हम लेंगे थोड़ा सा दही। दही इज वेरी गुड, अगर आपको डैंड्रफ हो, इचिंग हो स्कैल्प में, तो वो निकल जाती है। तो मैं दही ले रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल रही हूँ। वो आपके लिए ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जो स्किन में इरिटेशन होता है, डेड स्किन होती है, स्कैल्प की भी तो होती है, तो ये नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए इस तरह का हेयर मास्क आपका रेडी है। चलिए अब इसे लगाते हैं और लगाने के बाद एक शावर कैप लगा के फिर हम करेंगे कि अमेज़ॉन से आज क्या आया। ज़्यादा लिक्विड ही मत कीजिए, नहीं तो वो फिर बालों से टपकने लगता है इधर उधर से पानी। अब होली है तो ऑब्वियसली पहले हेयर का केयर कीजिए। मुझे लग रहा है मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने ये जो ऑयल बनाया था इसका रेसिपी बता दिया। थोड़ा सा डालिए बिल्कुल किंचित, ताकि बाल सॉफ्ट रहे, ऑयली ना हो जाए। वाव, उफ, संडे इज वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी। संडे का नाम आते ही मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो पैक हो गया है रेडी, मैं जूस करती हूँ फटाफट खत्म और चलते हैं। हेयर पैक लग चुका है, कैप इसलिए डालते हैं उसमें ताकि वो ड्राई नहीं हो जाए और अच्छे से स्कैल्प में आपके चला जाए। तो अब देखते हैं आज क्या क्या आया है। आई होप पहले वाले व्लॉग की तरह कुछ ऐसे चीज़ ना आए जो एम्बैरेसिंग हो जाए मेरे लिए, राइट। ओ माय गॉड, पहला तो वही निकला। ये मैंने मंगाया है अर्बन बोटानिक्स का कुमकुम आदि ऑयल, जो मैं यूज़ करती हूँ बिफोर सनस्क्रीन। वाव, तो ये अनबॉक्सिंग है जो थी हमारी। ओ माय गॉड, आप सीरम भूल जाएंगे एवरी डे इफ़ यू यूज दिस। टू टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं डेली। योर स्लीप विल इम्प्रूव। उद्घाटन कर ही लेते हैं नहीं? ये देखिए इस तरह से आती हूँ अभी कार्टून गिरी करने। इस तरह से रिंग फिंगर से देखिए मेरे डार्क सर्कल हो रखे, नींद की प्रॉब्लम हो रही, लाइनर भी फैल जाकर। आहा, क्या खुशबू है। ये आयुर्वेदा में तो बहुत माना जाता है, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके ऊपर आप लगाइए अपना सनस्क्रीन। आपने देखा होगा सुबह भी मैंने लगाया था कुंकुमारी पर ये वाला। ओह माई गॉड, दिस इज फ्रॉम बोटानिका। हाथ पे भी लगाइए, ये देखिए सीरम वीरम सब भूल जाएंगे, ये स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अब एट 55 मुझे तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, स्किन ड्राई रहती है, थायराइड है मुझे, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इससे रात में अगर ऐसे धीरे धीरे मसाज करके थोड़ा आइस पैक लगा के सोऊंगी शायद मेरी नींद अच्छी आएगी। और देखा आपने, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल तेल जैसा नहीं लगता है। तो फॉरगेट अबाउट द सीरम, स्टार्ट यूजिंग दिस। और क्या क्या आया है देखते हैं। संडे है यार, आई एम ऑल्सो वेरी लेजी। इसका कैप है ऐसे बंद करने के लिए ताकि वो लीक ना हो, तो गुड। और क्या आया, आई होप मेरा आटा आ जाए, क्योंकि फिर मुझे नहीं तो दो दिन से आई एम हैविंग ज्वारी का आटा, जो मैं नहीं खाती हूँ। मैं कीटो आटा ही खाती हूँ, लो कार्ब ही रहती हूँ। दैट हैज सेव्ड माय लाइफ। ओ ओ पीशु, ये आया मेरी पीशु पपी का खाना। पीचू आ जाओ,
को डब्बे को नीचे रखते जाते हैं, इसमें क्या है। देखते देखो, पीस बोलते ही पीस आ गए। पीस आ जाओ ऊपर, कम अप 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 अप। पीस का खाना है, वाह। वो सूंघ रहे अपना खाना। आप लोग देख ही सकते हैं मेरी चप्पल के पास ये। और हम अनबॉक्सिंग करेंगे। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। मेरा फेवरेट कैंडल जो मैं रोज शाम को, दिस इज एप्पल सिनेमन। ये एक कैंडल मुझे चल जाता है महीने भर तक आराम से। शाम को जब जलाती हूँ ना, क्या फ्रैग्रेंस होती है रूम में। माय फेवरेट फ्रैग्रेंस इज एप्पल सिनेमन। वाह, तो मेरी होली तो बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई कैंडल। अब इसमें क्या है देखते हैं। प्लीज ऊपर आ जाओ, देखने दो सबको कि तुम कितनी खुश हो। ये इतना सा काम और इतना सारा पैकिंग। ये क्या है, यस, वाओ, आलमंड ऑयल। ये रोगन बादाम शिरीन, ये भी बहुत अच्छा। दिस इज ऑल्सो फॉर स्किन। तो मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, और ये बचपन में याद है कैसे खेलते थे इसको, बजा बजा के पट पट। अरे नहीं बज रहा, पट बज गया, पट पट। तो अब मैं बाद में ना इसके साथ खेलने वाली हूँ, देखो पट पट। वाओ, एंटरटेनमेंट। नाउ इज द लास्ट पैकेट। तो आज बहुत प्यारी प्यारी चीजें आई हैं। लास्ट अनबॉक्सिंग। मेरा आटा नहीं आया क्या? फिर आम, फिर आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ कीटो। जवारी ही खानी पड़ेगी लग रहा है आज भी। पेशेंस रखिए प्लीज। मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती, आराम आराम से करती हूँ। अब क्या आया, यस यस, दिस इज एट माय एब्सोल्यूट एसेंशियल। मुझे कंपनी भी बहुत पसंद है, मैं इसका कैल्शियम ओमेगा भी लेती हूँ। दिस इज माय एसेंशियल अमाइनो। ये पोस्ट 30s 40s आपके लिए बहुत एसेंशियल होता है। उसका नाम ही एसेंशियल अमाइनो, मींस प्रोटीन। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट एंड ड्यूरिंग वर्कआउट। सो दिस इज ऑल वेरी ऑर्गेनिक एंड शुगर फ्री। ये पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, ये आ गया। ओह गॉड, नाइस। तो ये था आज का अनबॉक्सिंग, एंड ब्यूटिफुल थिंग्स हैव कम। लगा देती हूँ, एक बार बता देती हूँ आप सब लोग को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये है हमारा संडे अनबॉक्सिंग। मेरा आटा कब आएगा? अब मैं जा रही हूँ नहाने, मिलते हैं। नहाने के बाद मैं स्लो योगा करूँगी, तो वो नहाने के बाद कोई उसमें पसीने नहीं होते। देखिए पीस आ गई, जहाँ उसका खाना आता है वो आ जाती है। आपको खाना है? आपका खाना है नहीं है? चलो अभी मम्मा नहा के आएगी, फिर उसके बाद मिलेंगे। ओके गाइस, सी यू सून। पैकेट्स मैं जनरली ऐसे खोलती हूँ ना, फिर फेंकती नहीं हूँ। देखिए कभी कभी आपको भी रिसाइकिल काम आ सकते हैं, सब्जी डालने में या कोई भी चीज़ लेकर जाने में। इट्स अ नाइस एनवेलप एंड very nice quality.
आउटफिट ऑफ द डे, ये देखिए पैरों में अभी चप्पल नहीं है, ये टाइट्स आर फ्रॉम बैंकॉक, बहुत साल पहले खरीदे थे, एंड दिस टॉप इज फ्रॉम वेरामुडा, एंड दिस इज मी, एंड जस्ट लुक एट द हेयर, कितने सॉफ्ट बाउंसी, अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट पैक, सी लग रहे हैं ना अच्छे, लाइट ब्लू एकदम कॉटन, देखिए दिस इज द परफेक्ट वे टू वेयर क्लोथ ऑन अ संडे, यू कैन सी देयर ऑल्सो। मैंने अभी अभी फ्रिज से बाहर निकाला है, काफी अच्छे से सेट हो गए, तो निकल भी नहीं रही है, मैं इस वक्त खाती नहीं हूँ, आई ईट इन द इवनिंग्स, फिर भी मैं चॉकलेट का टुकड़ा खाओ के आपको बताऊंगी हुआ। अभी अभी फ्रिज से निकाला है ना, तो सेटिंग में टाइम लगेगा, आई एम जस्ट टेकिंग अ बाइट एनीवेज, ये मेरा तो सब्जा और इलेक्ट्रोलाइट लेने का टाइम है, बगैर संडे है तो क्या प्रॉब्लम है, लेट अस टेस्ट इट। दिस इज सो अम्यूज, ना यम है, क्या आप लोग जानते हैं कि चॉकलेट खाने से, डार्क चॉकलेट क्यों खाते हैं, डार्क चॉकलेट खाने से इट इज गुड फॉर अवर हार्ट, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें मैंने नट्स भी डाल दिए, तो ओमेगा फैटी एसिड्स भी, वो भी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड इट रिलीजेस सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स कि यू फील हैप्पी, लाइक सो वन चॉकलेट डे आफ्टर लंच, ये तो कई खा सकते, इसमें शुगर है ही नहीं, तो ये है इजी पीजी चॉकलेट मेकिंग। और ये मेरा लैपटॉप, आपने ये भी देखा होगा कि आज मैंने योगा बेड पे किया, संडे का योगा स्पेशल होना चाहिए ना, और बात ये भी है कि बहाना मत बनाइए कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम छोटी जगह में रहते हैं, हम ये नहीं, इसलिए था वो एग्जाम्पल। तो संडे की आफ्टरनून हो चुकी है, आज का वीलॉग यही समाप्त करती हूँ, अब मैं यहाँ देखूंगी, मैं एक सीरियल देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, वर्जिन रिवर, आई एम ऑन सीजन 3, मूवी अगर कोई हिंदी अच्छी आई है तो देखूंगी अमेजोन पे, या मैं जनरली यहीं पे बैठ के देखना प्रेफर करती हूँ, मेरे टीवी का मॉडल ही खत्म हो गया था और बंद हो गया था, तो मैंने उसको भंगार में बेच दिया, मैंने कहा नया टीवी मुझे चाहिए ही नहीं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मूव टू अ स्टूडियो अपार्टमेंट सून, क्योंकि अब मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, मगर थकेली नहीं हूँ, मैं जिंदगी से भरपूर मस्त हूँ, एकदम मस्त, जिंदगी ही कितनी प्रेशियस चीज होती है, मेरी जुल्फे ये देख मुझे देखते ही उड़ गया कबूतर, दिखाने लाई थी मैं एक्चुअली, तो अब मैं आपको यहीं पे पीस अपना बचा हुआ खाना खा रही हूँ, वो मेरा ट्राइपॉड, आज ट्राइपॉड के रिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो तो झुक गया, और कैमरा भी गिरने वाला था, बचा लिया भगवान ने, टाइम पे मैंने पकड़ लिया उसको,
तो ये रहा मेरा संडे एंड रिमेनिंग ऑफ इट आई विल नेटफ्लिक्स एंड चिल। एंड खाना क्या खाऊंगी, शायद मुझे कलेजी फ्राई बहुत पसंद है, तो अभी आएगा मेरा मैन फ्राई डे मीन्स ऑल इन वन, उसका नाम है साजन, उसे जरूर मिलवाती हूँ आपको आज। तो कलेजी फ्राई एंड सॉर्टेड वेजिटेबल्स इज माई प्लान, एंड आफ्टर दैट द डार्क चॉकलेट आई मेड। इस चॉकलेट का जरूर बनाइए, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ ही नहीं, ये बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। एवरीबॉडी इज इन स्ट्रेस एंड दिस काइंड ऑफ अ चॉकलेट इज जस्ट नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, इस तरह का चॉकलेट आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। जैसे वन ग्लास ऑफ रेड वाइन और वन दिस चॉकलेट व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो देखिए आपको तो मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिंस मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं होममेड चॉकलेट में। तो प्लीज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम शुगर, शुगर हमारे लिए पॉइजन है। अब तो सभी बोलने लगे हैं ना, हम तो 20 साल से ही नहीं खाते, इसलिए मैं अभी 55 की हुई हूँ, पर मुझे ऐसी लाइफस्टाइल कोई भी इलनेस नहीं है। थायराइड तो मेरी मॉम को भी था तो मुझे, लेकिन मेरा बहुत कंट्रोल में है, मुझे कोई थायराइड की दिक्कतें नहीं होती। जब से मैंने कीटो शुरू किया है और लो कार्ब मैंने मेंटेन किया है और ये फ्यूल करती हूँ बॉडी को हमेशा, जब भी खाती हूँ एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेती, तो नथिंग, नहीं तो होता ना ड्राई स्किन, हेयर लॉस, सब कुछ, इरिटेशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ब्रेन फॉग, कुछ भी नहीं। दिस ऑल स्टॉप विथ माई कीटो डाइट एंड समटाइम्स आई गो लो कार्ब, लाइक जैसे मेरा कीटो का आटा नहीं आया आज, तो ज्वार की रोटी खाऊंगी अगर मन करेगा तो क्रिस्पी। आई होप होली से पहले आ जाए आटा, ताकि मैं आपको मेरा कीटो आटा का पकोड़ा बता सकती हूँ होली के दिन। हाँ भाई, हम मनाएंगे होली, क्यों नहीं मनाएंगे, मेरे चाहने वाले जो आज है या नहीं है इस दुनिया में, यही तो चाहते ना कि मैं खुश रहूँ, मैं खुश रहती हूँ। सो आई होप ये लिविंग अलोन वाला वीलॉग आपको पसंद आएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, तो उस तरह से भी हम बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो साजन से मिलवाऊंगी अभी आपको, और फिर बाय फॉर दिस वीलॉग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सनी इन द मूड, सनी मतलब इस सन धूप में 36 डिग्री में बाहर मत घूमिए, वो तो मैंने आपको समर टिप्स दे ही दिए थे। सो आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड यू आर गोइंग टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को शायद दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो ईमेल आईडी होती है हमारी या गूगल आईडी होती है ना, तभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए, परिवार को, हमारे यूट्यूब परिवार को बड़ा तो होने दीजिए, आपको मजा ही आएगा। आप जब भी मेरे वीलॉग पे आएंगे, स्किप करेंगे, जहां भी जाएंगे, जिस पोर्शन में भी जाके देखेंगे, आप कुछ न कुछ अच्छा पाकर ही जाओगे। तो ये मेरी विंडो, ये मेरी फेवरेट, ये मेरा फेवरेट कोना है। ग्रेट, और जो मैंने लगाया था, आपने देखा था, वो लिपस्टिक पिंक है हर्बल, ये देखिए। और मैंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, क्योंकि हमने क्या लगाया था, कुमकुमादी ऑयल। सो दैट इज द मैजिक, सी द स्किन ग्लोइंग, कैन यू सी, डार्क सर्कल्स पे काम चल रहा है तो कम हो जाएंगे, कम ही लग रहे हैं मुझे तो। एक्चुअली क्या है ना, ये लाइनर या काजल मेरा नीचे आ जाता है, इसलिए ये सब चीजें होती है। वी विल सी, फाइंड अ वे फॉर दैट ऑल्सो। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीलॉग, यू प्लीज टेक केयर। साजन से जरूर मिलवाऊंगी, पर मैं अब दोबारा से बाय नहीं बोलूंगी। सो यू ऑल हैव अ रॉकिंग टाइम इन लाइफ, पीपल हु आर 50 प्लस लाइक मी, हमेशा दूसरों में ही मत रहिए कि हाँ ठीक है फैमिली भी है, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली है ये वो ठीक है, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालिए। ये जो भी मैं तामझाम करती हूँ उसमें क्या 1-1.5 घंटा जाता है, राइट? बट ये छोटी छोटी चीजें करने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हम यकीन मानिए दुनिया में कोई आपको हैप्पी नहीं रख सकता आपके सिवा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।